हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ वेरिएंट्स के बारे में, जो कि आपने अभी तक कभी देखे ना हो या कहीं पर सुने ना हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के जो वेरिएंट देखे थे वो कुछ भी नहीं थे। कॉमिक बुक में इससे भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स हैं, जो कि आप एक बार देखोगे तो खुद हैरान होने वाले हो। तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ ऐसे वेरिएंट्स के बारे में जिनको देखकर आप हैरान होने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। नंबर वन, वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज। ये आते हैं अर्थ 22249 से। तो आप नाम सुनकर समझ गए होंगे कि ये कहां से आया है। जब मार्वल ने वेनम वर्स इशू में एक ऐसी टीम बनाने का फैसला करा जिसमें कि सभी वेनम बने हों, जिसमें कि सारे सुपर हीरो वेनमिस्ट हों, और उस वेनम वर्स इशू में यही दिखाया गया हमें कि जब सारे सुपर हीरो एक साथ मिलकर पॉइजन नाम के विलेन को हराने का फैसला करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज वेनम वाला, एंटमैन वेनम वाला, रॉकेट रकून तक वेनम वाला था, यानी कि ओवरऑल जो फेमस सुपर हीरो थे उस इशू में वो सारे वेनमाइज हो जाते हैं और मिलकर एक टीम बनाते हैं रेजिडेंस, और सब मिलकर फिर पॉइजन नाम के विलेन को हराते हैं। और ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस थी वेनम वर्स इशू में। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट के बारे में, यानी कि नंबर टू, क्रॉक्टर स्ट्रेंज। ये आते हैं 8311 से। अगर इस स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है अर्थ 616 से। अर्थ 616 में जितने भी सुपर हीरोज हैं उनकी जो स्टोरी लाइन है या उनका जो होलिया है वो बिल्कुल अर्थ 8311 से मिलता है। बस यहाँ पर डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी अर्थ 83 में सुपर हीरोज हैं वो एक एनिमल्स हैं। जी हाँ, अब कॉक्टर स्ट्रेंज हमारा एक एलिगेटर है, आयरन मैन यहाँ पर एक माउस है, रीड रिचर्ड्स यहाँ पर एक घोड़े हैं, तो कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं इसमें। अगर एमसीयू में मल्टीवर्स की बात चल रही है तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस अर्थ को भी 100% इंट्रोडक्शन कराया जाए, और मैं देखना चाहता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज को और आयरन मैन को एक माउस के रूप में और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक एलिगेटर के रूप में। बाकी लोकी तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, किस में देखने को मिला है मुझे बताइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं नंबर थ्री के बारे में, स्टीफन स्ट्रेंज। ये आते हैं अर्थ 8101 से। अब इस अर्थ की खास बात मुझे यही लगी, जो कि मुझे लगता है कि मार्वल को इस पर काम करना चाहिए। इसमें जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सारे एप्स हैं, यानी कि बंदर। आपने काफ़ी सारी ऐसी मूवी देखी होंगी हॉलीवुड में जिसमें कि एप्स इस दुनिया पर राज करते हैं, और मार्वल ने एक ऐसी स्टोरी लाइन भी बनाई है जिसमें कि सारे एप्स होते हैं पर उसमें कुछ तो सुपर हीरोज भी होते हैं, जिसमें कि हमारे स्टीफन स्ट्रेंज जो कि एक एप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी खास बात इस स्टोरी लाइन की कि इसमें जो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले इसमें आती हैं फैंटास्टिक फोर मेंबर्स में जेन ग्रे, फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर गोस्ट राइडर, फिर निकोलस फ्यूरी, और ये सारे के सारे एप्स होते हैं। इनका लुक कॉमिक बुक में बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिखाया है और स्टोरी लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। चलिए बात करते हैं नंबर फोर्थ के बारे में, जीनी एके डॉक्टर स्ट्रेंज। ये आती हैं अर्थ 928 से, और ये यूनिवर्स सबसे ज़्यादा जाना जाता है स्पाइडरमैन के फ्यूचर वाले वेरिएंट से, जो कि है स्पाइडरमैन 2099। अब इस यूनिवर्स की खास बात करी जाए तो जीनी, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और इसने एक बार ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा था स्कल्स से लड़ने के लिए, जिसमें कि एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और उस तबाही में जीनी का भाई भी मारा गया। अब बात करते हैं नंबर फाइव के बारे में, मांगा वर्स स्टीफन स्ट्रेंज। ये आते हैं अर्थ 2301 से। आप सभी ने एनिमे तो देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि मार्वल ने हर स्टोरी लाइन को कितनी अच्छी तरीके से वेरिएंट के तौर पर दिखाया है। इस मांगा वर्स में जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल होता है, क्योंकि अब तक जितना हम देखते आ रहे हैं कॉमिक बुक्स में और मूवीज़ में, ये उन सबसे डिफरेंट है। अगर आप एक एनिमी फ़ैन हो तो आपको ये डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें हर एक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन, जो खाने का, पीने का और जो इनका माहौल है वो सब मांगा जैसा है बिल्कुल। इसमें फ़र्क एक इतना सा है बस, वैसे तो स्टोरी लाइन सेम ही होती है ज़्यादातर, फ़र्क इतना सा है आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड तो देखा ही होगा वोंग, इसमें बस वोंग की जगह टाइग्रा है। टाइग्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड बनता है इस मांगावर्स में स्टीफन का। तो गाइस, ये थे वो टॉप 5 वेरिएंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के। इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ अगर आप इस टाइप की वीडियोस भी चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा।